वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज है जुम्मा और हमने हस्बैंड के कजन्स को खाने पे बुलाया है, रात के खाने पे, और वो लोग अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये 3 पीस सूट मैंने कराची से लिया था, हेडरी मार्केट से। कॉटन का है, 3 पीस का ये अनस्टिच कपड़ा था और मैंने खुद ही घर में सिया था। इसमें मैंने ये डोरी पाइपिंग लगाई थी गले में इस तरह से, और यहाँ आस्तीन में भी डोरी पाइपिंग लगाई और नीचे चाक और दामन में भी। तो ये इस तरह का बन गया है, ये मैंने खुद ही सिया है घर में, अनस्टिच कपड़ा लेके और मैंने खुद सिया है। खाने के लिए मैंने क्या क्या बनाया है वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी। तो अभी किचन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने ये कीमे में मसाला लगाया है, तो उसके लिए मैंने प्याज चॉप किया है और हरी मिर्चें और धनिया पुदीना बारीक चॉप किया है, और उसके अलावा मैंने कीमे में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और नमक और पिसा हुआ मसाला मैंने उसमें ज़ीरा डाला है, काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला होममेड जो मैं घर में बनाती हूँ वो डाला है। और ये सारी चीज़ें मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स किया है, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह से। तो उसके बाद हमने तलना शुरू किया है, हस्बैंड ने भी हेल्प कराई थी। मैं शेप दे रही थी और वो पलट रहे थे कबाब को, तो हम दोनों ने मिलके कबाब फ्राई किए। अब कबाब की बिरयानी बनाने के लिए जो मैंने मसाला बनाया है इस दफ़ा, वो डिसअपॉइंटिंग था इन द सेंस ऑफ कि वो कबाब की क्वांटिटी के हिसाब से मसाला बहुत कम था। जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, मसाला एकदम कबाब के हिसाब से और चावल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कम बन गया है मसाला। मुझे इसका तकरीबन डबल क्वांटिटी बनाना चाहिए था मसाला, तो ये गलती हो गई थी मुझसे कि मसाला मैंने बहुत कम बनाया है कबाब के हिसाब से। ये है हमारा मीठा तैयार हो गया है, और अभी मैं बनाने लगी हूँ काली मिर्च चिकन कढ़ाई। वो भी बहुत झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसी बर्तन में हमने कबाब निकाल दिए थे तलने के बाद, और हमने कबाब को धुनी दी थी इसी में। तो मैं वो कबाब का जायका और धुनी का जायका मैं ज़ाया करना नहीं चाहती हूँ, तो मैं इसी बर्तन में कढ़ाई बनाने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में भी ऐड करूँगी मज़ीद तेल, लेकिन नॉर्मली तेल नहीं डलता, अभी शुरू में नहीं डलता। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी में डालते हैं हल्दी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम पानी के अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, टमाटर कटा हुआ और हरी मिर्च, और मैंने ऐड किया है नमक हसबे जायका, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, और इसको मैं कवर करके अच्छी तरह से पकने दूंगी जब तक ये टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें तेल डाल के और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर दही ऐड करेंगे, और आखिर में मज़ीद हम गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे, और बस हमारी कढ़ाई, काली मिर्च चिकन कढ़ाई तैयार होगी। और सलाद मैंने ये नॉर्मल ग्रीन सलाद बनाया था इस तरह से, ब्लैक ऑलिव्स डाल के, और ड्रेसिंग के तौर पे मैंने ये मस्टर्ड पेस्ट, ऑलिव ऑयल, सिरका, काली मिर्च, ज़ीरा और नमक हसबे जायका मिक्स करके ये ड्रेसिंग तैयार की है सलाद के लिए।
और मीठे में ये दूध की सवई और जो वो लोग गुलाब जामुन जो मिठाई लेके आए थे बाहर से वो रखी हैं, और उनको ग्रीन टी पीनी थी तो मैंने मोरक्कन ग्रीन टी बनाई उनके लिए। तो ये तरीका भी दिखाना था क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मोरक्कन ग्रीन टी बनाने का तरीका शेयर करूं। तो सबसे पहले हम उसमें ग्रीन चाय के पत्ते डालते हैं और थोड़ा सा बिल्कुल बॉयल्ड वाटर उसमें डालते हैं, इस तरह खंगालते हैं और वो पानी निकालते हैं और वो पानी हम फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं उसमें चीनी, जो कि इस तरह नहीं होता जो हम मोरक्को में यूज़ करते हैं। हम ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ नहीं करते, हम लोग या तो क्यूब वाला जो शुगर होता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली एक कोन शेप का शुगर होता है, शुगर कोन होता है, वो बहुत फेमस है मोरक्को में, वो ट्रेडिशनली चाय में यूज़ किया जाता था। और उसके बाद बस हम उसमें पानी डालते हैं, अगर आपको पुदीने के पत्ते डालने हैं तो वो धो के आप डाल सकते हैं। बस उसके बाद हम डालते हैं चूल्हे के ऊपर बॉयल होने के लिए, जैसे ही उबाल आता है बस उतार देते हैं और इस तरह से हम निकाल के एक कप में निकाल के और दोबारा डालते हैं वापस, ताकि जो चीनी है वो सही तरह से मिक्स हो जाए। और फिर दोबारा हम थोड़ा सा, इतना सा हम निकालते हैं कि बस हम चीनी चख सकें। ये बस एक वो है, ट्रेडिशनल तरीका है मोरक्कन चाय बनाने का। तो हम मतलब थोड़ा सा निकाल के चख लेते हैं कि मिठास कैसी है, शुगर कम तो नहीं है। तो ये है आजकल का तरीका मोरक्कन चाय बनाने का, वरना तो एक चाय, मोरक्कन चाय बनाने के अपने रिचुअल्स होते थे, एक उसका स्पेशल तरीका था जो बैठ के बनाते थे लोग। तो हमारी दावत हो गई है ख़त्म और अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेहमान चले गए। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी रात के 12 बजने वाले हैं और सीन ये हुआ है कि बिरयानी वाज़ नॉट अप टू द मार्क। मतलब जो पिछले हफ्ते जो मैंने घर के हिसाब से, दो कप के हिसाब से मैंने बिरयानी बनाई थी, तो वो उसका मसाला बहुत अच्छा बना था, लेकिन इस दफ़ा जब मैंने डबल क्वांटिटी में बनाई थी तो मसाला कम बन गया चावल के हिसाब से, तो गड़बड़ हो गई। कबाब बहुत अच्छे थे, कबाब वाज लाइक नॉट फ्लॉप। हाँ, कबाब का मसाला अच्छा था, बहुत मज़े के थे। लेकिन आज जो स्टार ऑफ द शो था वो जो काली मिर्च की कढ़ाई थी वो बहुत मज़े की थी, वो जबरदस्त थी और वो एकदम चट हो गई, बची नहीं। हाँ, और सबने बहुत मजे लेके खाया उसको, बहुत मजे की थी। इसके अलावा मीठा भी अच्छा था, बस उसमें कबाब बिरयानी में कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्वांटिटी की वजह से अब मैंने ज्यादा बना लिया तो थोड़ा मसाला उसके हिसाब से कम हो गया है। हाँ, चावल ज्यादा हो गया, मसाला कम हो गया, बस यही हुआ। बाकी तो सब चीजें अच्छी थी, जायका भी अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन थोड़ा सा मसाला कम हो गया। सही बात है, और कढ़ाई सबको अच्छी लगी है और बहुत झटपट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और बहुत इजी और जल्दी बन जाती है, बहुत झटपट। और बस हमारा व्लॉग हो गया ख़त्म और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।